हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बायोलॉजिक स्टडीज। एंड ये है सेकेंड पार्ट माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स का। यहाँ पे हम लोग रिवाइज करेंगे जो हम लोगों ने लास्ट लाइट माइक्रोस्कोप्स में पढ़ा था और उसके आगे के माइक्रोस्कोपीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट वाज द ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के लिए व्हाट वाज इम्पोर्टेंट? सबसे पहले हमें इसकी सेक्शनिंग करनी है, ठीक है। सेक्शनिंग के बाद हमें स्टेनिंग करनी है एंड स्टेनिंग के बाद हमें विजुलाइज करना है। अब हम ये सब कर तो लेंगे, लेकिन उससे क्या होगा, हमारा सेक्शनिंग और स्टेनिंग की वजह से जो हमारा स्पेसिमिन है वो लाइव नहीं रह पाएगा, दैट वुड बी डेड। वन थिंग। नेक्स्ट, ये एक इमेज प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट अ ब्राइट बैकग्राउंड। ये हम लोगों ने बहुत सारे माइक्रोस्कोपीज में यूज कर रखा है और यही एक माइक्रोस्कोपी है जो हम ज्यादा यूज करते हैं अपने कॉमन लेबोरेटरीज में, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग वगैरह के लिए हम लोग यही चीज यूज करते हैं एंड इसमें जो विजुअलाइजेशन का प्रिंसिपल होता है दैट इज अपॉन द डिफरेंशियल अब्सॉर्प्शन ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। कितना स्ट्रेन उसने लिया है या फिर कितना नेचुरली पिगमेंटेड है, तो कलर के अकॉर्डिंग ब्राइट फील्ड के अगेंस्ट वो एक अच्छी इमेज दे देता है। अगर हम उसको नॉर्मल पावर पे रखते हैं तो वो स्कैनिंग करता है, और अगर हम लोग उसको, अगर मेरे को इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को विजुलाइज करना है तो मैं उसको हाई पावर पे लेके चली जाती हूँ, ठीक है। ये जैसे कि स्कैनिंग के लिए यूज हो रहा है, और अगर मेरे को इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स या फिर इसका आर्किटेक्चर देखना है तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं इसको हाई पावर पे लेके चली जाऊंगी। अब अगर मेरे को स्टेन यूज नहीं करना है, आई वॉन्ट समथिंग कि जहाँ पे मैं स्टेन यूज ना करूँ और मेरे को लाइव सेल्स मिल जाए देखने के लिए, लाइव स्पेसिमेंस को मैं देख पाऊँ, तो उसके लिए आई यूज डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, जहाँ पे मेरी इमेज बनती है अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट मेरी एक ब्राइट इमेज बन रही है एंड दिस ब्राइट इमेज इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द कंट्रास्ट, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट की वजह से एक ब्राइट इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें, कि यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो पुअर है, वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज पुअर, सो दिस थिंग। और जब भी कॉन्ट्रास्ट में, कॉन्ट्रास्ट की वजह से जब भी हम विजुलाइज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट क्यों प्रोड्यूस होता है ये मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, ठीक है। और अगर मेरे को हाई कॉन्ट्रास्ट और हाई रेजोल्यूशन लेके आना है तो फिर बस मैं नॉर्मली उसको लाइट वेव को ऑब्जर्व करके नहीं देख सकती। मेरी नेकेड आई जो है वो कॉन्ट्रास्ट को, जब तक वो मेरे को एक लेवल तक दिखाएगी, ठीक है। अगर मेरे को हाई रेजोल्यूशन पे देखना है और हाई रेजोल्यूशन पे देखनी है इमेज को विदाउट स्ट्रेनिंग, तो मुझे एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को डिप्लॉय करना पड़ेगा एंड दैट इज फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें हम लोगों को विदाउट स्टेनिंग हम लोग लाइव लिविंग स्पेसिमेंस को देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल एंडोस्पोर्स एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। किस प्रिंसिपल पे? रिफ्रैक्शन पे एंड इंटरफेरेंस पे। रिफ्रैक्शन हमें पता है क्या होता है, कि वेन एवर अ लाइट वेव पासिस थ्रू ए स्पेसिमेन, तो जब भी लाइट वेव पास करती है तो सिंस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है, तो लाइट जो है, लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी कम हो जाती है। वेलोसिटी कम होने की वजह से ये फेस को चेंज करता है, ठीक है। एंड फेस चेंज की वजह से क्या होता है ये हम आगे देखते हैं, ओके। तो एज द नेम सजेस्ट, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। अब किसके फेस की बात कर रहे हैं ये, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं लाइट वेव के, लाइट वेव के फेस की, क्योंकि एक बीम ऑफ लाइट जो है इसमें बहुत सारी इंडिविजुअल रेज ऑफ लाइट होती हैं, ठीक है। एंड यही जो रेज ऑफ लाइट हैं ये डिफरेंशियली स्पेसिमेन पे पड़ती है, अपनी वेलोसिटी चेंज करती है। अपनी वेलोसिटी जब भी चेंज करती है तो फेज में चेंज होता है, और फेज चेंज होने की वजह से
हमारे पास इंटरफेरेंस की वजह से एक डिफरेंट इमेज आती है, कंट्रास्ट शो करता है, और यही प्रिंसिपल है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का। ये हो गया ओवरव्यू, अब पढ़ लेते हैं एक बार डिटेल में। वेलोसिटी कम हुई, मैंने बोला वेलोसिटी कम हुई जिसकी वजह से फेज में चेंजेस आए तो इसको हम अपने नेकेड आय से तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, है ना। नेकेड आय से अगर ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं इसको, तो इसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, और वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ओके, तो इसी फेज चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोगों ने डिप्लॉय किया है किसको, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी को। सो देखते हैं, ये हमारा ये डायग्राम है जो नॉर्मली हमारा फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप ऐसा दिखता है। आगे बढ़ते हैं कि मैं किस फेज की बात कर रही हूँ। अगर मेरे पास ये दो लाइट रेस हैं, ठीक है, और इसका क्रस्ट अगर ये ऐसे मूव कर रही है, और इसी तरीके से मेरी दूसरी वेव भी मूव कर रही है इन सच अ वे कि इनका क्रस्ट और इसका क्रस्ट इज सेम एंड इसका ट्रफ इज, एंड दूसरी वाली जो लाइट वेव है उसका क्रस्ट जो है वो सेम उस पे है, ठीक है, सेम प्लेन पे है, तो जब मैं इनको ऐड करूंगी, जब इनका इंटरफेरेंस होगा इन दोनों फेजेस का, तब क्या होगा, क्या होगा, ये एक मैग्नीफाइड मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसकी मैग्नीट्यूड के इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एक ब्राइट इमेज फॉर्म होती है। कैसी इमेज फॉर्म होती है, ब्राइट इमेज फॉर्म होती है। वाइल जब यहाँ पे मेरा एक फेज है एंड दिस फेज इज ये इस तरीके से मूव कर रहा है, और इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ है, ठीक है, तो जब इनको ऐड किया जाएगा तो नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, दिस वन। तो यहाँ पे क्या है, फेज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब दोनों जो हैं वो आउट ऑफ फेज हैं। जब ये दोनों इनका ट्रफ और क्रस्ट साथ साथ चल रहा है तो इसको बोलते हैं कि द लाइट वेव्स आर इन फेज टू ईच अदर, एंड वेन द क्रस्ट एंड द ट्रफ इज आर नॉट इन अ सिंगल प्लेन, तो हम इसको क्या बोलते हैं, दैट दे आर आउट ऑफ फेज, ठीक है। सो इसको अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो नेट इंटरफेरेंस इनका कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें एक डार्क इमेज फॉर्म होती है, ओके। और स्पेसिमेन और हमारा जो ये फेज कंट्रास्ट है, ये इंटरफेरेंस इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है जब दो वेव्स कंबाइन होती है, और इसी की वजह से हमारा स्पेसिमेन अपीयर करता है डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ ब्राइटनेस एंड ऑन द डिग्री ऑफ कंट्रास्ट, ठीक है, इसी की वजह से चेंजेस आते हैं, ओके। अब पढ़ लेते हैं कि हमें नेकेड आई से तो ये फेज डिफरेंस दिखने नहीं वाला है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, उसके लिए हम लोगों ने ये किया कि हमारे पास ये एक एंगुलर रिंग है, ठीक है, एंड ये जो अंदर वाला पार्ट है केवल इसी में से लाइट इज इंसिडेंट, मतलब यहीं से लाइट पास हो रही है, ठीक है, लाइट एक होलो कोन की तरह बस यहीं से जाती है, ठीक है, यहाँ से गई कंडेंसर लेंस पे इंसिडेंट हुई जैसे हमारा ब्राइट फील्ड में हुआ था, स्पेसिमेन के ऊपर पड़ी, ठीक है, स्पेसिमेन में पड़ी एंड यहाँ पे स्पेसिमेन पे रिफ्रैक्ट हुई लाइट, एंड रिफ्रैक्ट होने की वजह से क्या हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज हुई। वेलोसिटी डिक्रीज होने के लिए वो हो गई, अब लाइट वेव्स क्या हो गई, आउट ऑफ फेज। कितनी आउट ऑफ फेज हुई वो हम इस डायग्राम में देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हो गई हमारी आउट ऑफ फेज। अब एक वेव तो है मेरी जो आउट ऑफ फेज है, जो डेविएट हो गई है, वो आउट ऑफ फेज है मेरी, ठीक है, डेविएटेड लाइट। जो मेरी डेविएटेड लाइट है वो एज इट इज मूव कर रही है, कहाँ से, डेविएटेड लाइट मेरी मूव कर रही है कहाँ से, उसको मूव करना है। लेकिन जो मेरी अनडेविएटेड लाइट है
वो मूव कर रही है मेरी फेस प्लेट की पे, जो एक ये थिन रिंग है यहाँ से। और इस थिन रिंग में क्या है, थिन रिंग एक ऐसे सब्सटेंस से कवर है जो मेरी वेवलेंथ, जो मेरी लाइट को, अनडेविएटेड लाइट को, ठीक है, अनडेविएटेड लाइट को ये आउट ऑफ फेज कर देता है। कितना आउट ऑफ फेज, कैसे कर देता है, बाय इंक्रीजिंग द फेज बाय 1/4 लैम्डा। ठीक है, 1/4 लैम्डा के साथ ये मेरे अनडेविएटेड लाइट को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, अब एक बार लैम्डा का फंडा देख लेते हैं कि लैम्डा होता क्या है। यहाँ पे वेन ये मेरे दो क्रस्ट हैं, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज वेवलेंथ। ठीक है, दिस क्रस्ट एंड ये जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, दिस इज 1/4, ये जो पूरा एक ट्रफ है दिस इज λ/2, एंड यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है λ/4। ठीक है, तो ये λ/4 से फेस को इंक्रीज कर देती है, इस वाली ये जो अनडेविएटेड लाइट है उसको ये इंक्रीज कर देती है बाय 1/4 λ। ओके, और λ/4। अब जो मेरी अनडेविएटेड, ये जो डेविएटेड लाइट है, ये डेविएट कितना हुई देखते हैं इसमें। यहां से जब भी मेरी यहाँ पे मेरे ये वेव का ट्रफ है, ये वेव का क्रस्ट है, ठीक है, जैसे ये उसी तरीके से मूव कर रही है जैसे यहाँ से मूव कर रही थी, लेकिन यहाँ पे इसको एक बैक्टीरियम मिला, इस बैक्टीरियम ने इस रे को डेविएट कर दिया 1/4। लुक, यहाँ पे इतना डेविएट कर दिया एंड इतना क्या था हमारा λ/4, इसने λ/4 इससे इसको आउट ऑफ फेज कर दिया। ठीक है, रे डिफ्लेक्ट हो गई स्पेसिमेन से 1/4 आउट ऑफ फेज। अब ये यहां से गई और जो हमारी फेस प्लेट की रिंग है उसने इसको इंक्रीज कर दिया, ये डिक्रीज हुई, ठीक है, डेविएट आउट ऑफ फेज, इसको डेविएट किया और ये इंक्रीज हो गई λ/4, ये λ/4, ये λ/4। सो नेट डेविएशन कितना हुआ डेविएटेड लाइट में, इस वाली लाइट से की कंपैरिजन में 1/2 वेवलेंथ। लुक, यहां पे दिस वाज λ/4, यहां पे दिस इंक्रीज एंड यहां पे ये चीज कितनी है, दिस यहां पे ये चीज इंक्रीज हो गई, तो यहां पे क्या हुआ, ये λ/2 इंक्रीज हो गया। अब यहां पे हुआ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से जो डेविएटेड लाइट थी और जो अनडेविएटेड लाइट थी उन्होंने कैंसल आउट कर दिया खुद को और एक डार्क इमेज बनी अगेंस्ट अ ब्राइट बैकग्राउंड। और इसी की वजह से हमें मिली एक इमेज। ओके, कंबाइन किया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, ऑब्वियसली कैंसिल आउट कर रहे हैं, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही हो रहा है। और यहाँ ये पे है, अगर यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रहे होते और अगर यहाँ पे ये लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करते, इंटरफेरेंस शो करते, तो जिस तरीके से ये एक डार्क फील्ड, डार्क इमेज बना रहा है, वैसे ये जो है वो एक ब्राइट इमेज बनाता अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। ठीक है, इसका ऑपोजिट, सो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फेज कॉन्ट्रास्ट और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फेज कॉन्ट्रास्ट। ओके, इसको पॉजिटिव फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी बोलते हैं और इसको नेगेटिव फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इमेजेस में, पॉजिटिव फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, इमेज का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, उसकी वजह से एक डार्क इमेज बनती है अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड। और इसका इनवर्स होता है नेगेटिव फेज कॉन्ट्रास्ट में, जहां पे एक ब्राइट इमेज बनती है अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड।
ओके, दिस इज अ इमेज ऑफ एन अमीबा जो कि फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के अंदर विजुअलाइज किया गया है. ऑल्सो यहाँ पे हम बैक्टीरिया की मोबिलिटी को देख रहे हैं. क्या देख रहे हैं? बैक्टीरियल मोबिलिटी. ये इसके फ्लैजुलस हैं, ये फ्लैजुलस हैं, एंड हाउ इज इट मूविंग ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, ये हम बैक्टीरिया एमीबा देख रहे हैं जो कि एक यूकैरियोटिक माइक्रोब है. ठीक है, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल, सॉरी यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब ऑब्वियसली बात है, जो मेरा साइटोसोल है, साइटोसोल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है, ठीक है, इसका डिफरेंट होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू द ग्रैन्यूल्स एंड एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस. मेरा जो ग्रैन्यूल है वो बहुत ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा एज कंपेयर टू द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, राइट. एंड उसी चीज को मैं डिप्लॉय कर रही हूँ यहाँ पे, और उसी चीज को मैं डिप्लॉय कर रही हूँ यहाँ पे टू विजुअलाइज द डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स. ओके, इसी तरीके से मुझे डिफरेंस इन देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से मुझे क्या मिल रहा है? एक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पता चल रहा है जो कि मैं यहाँ पे एक इमेज को देख सकती हूँ. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, इसी चीज का मॉडिफाइड वर्जन है डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी. यहाँ पे भी इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस यहाँ पे भी होगा, ठीक है, और कॉन्ट्रास्ट के थ्रू यहाँ पे भी इमेज फॉर्म होगी. बस एक चीज होगी कि डिफरेंशियल, व्हाट इज डिफरेंशियल ये पढ़ते हैं. डिफरेंशियल जो है वेव वो किसकी वजह से बन रही है? बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ टू प्रिज्म्स, और इनको बोला गया नॉर्मार्स्की प्रिज्म ऑन द नेम ऑफ द इन्वेंटर. ठीक है, इसमें भी हम लोग लाइव और इसमें भी हम लाइव अनस्टेन स्पेसिमेन को स्पेसिमेन अपीयर होता है ब्राइटली कलर्ड. ठीक है, इसमें जो बैकग्राउंड से पॉप आउट कर जाता है ये गिविंग अ 3D इमेज. अब ये देता कैसे, ये दिखता है. प्रिज्म क्या कर रहा है मेरा? प्रिज्म से पहले हमने एक लगाया है पोलराइजर. पोलराइजर क्या करता है? पोलराइजर, अगर मेरे पास ये एक बीम ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, ये मेरा बल्ब है और मेरे बल्ब ने एक बीम ऑफ लाइट दी है. अगर मैं इसको पोलराइजर से पास करवा रही हूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस शो कर रहा है. एंड इसमें से जो प्रिज्म से ये पास हो रहे हैं तो ये दोनों जो बीम ऑफ लाइट हैं ये सेपरेटली मूव करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ पे जब एक बीम ऑफ लाइट स्पेसिमेन पे पड़ रही है और अदर जो है वो नॉर्मल स्लाइड पे ही है, ठीक है, मतलब बेस पे है. तो वेन एवर दीज टू लाइट्स विल बी ऑब्जेक्ट और इंटरफेरेंस प्लेन पे गई, यहाँ पे इंटरफेरेंस हुआ इनका, ठीक है, इंटरफेरेंस होते ही ये कहाँ पे चलेगी? सेकेंड वाले प्रिज्म पे. सेकेंड वाले प्रिज्म में ने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया यहाँ पे. एनालाइजर के थ्रू मूव हुई और ये यहाँ पे कैसी इमेज फॉर्म की इन्होंने? एक 3D इमेज फॉर्म की. 3D इमेज, अब इसकी हमें जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि मेरा जो फेस कॉन्ट्रास्ट था वो हेलोज बनाता है. हेलोज मतलब ये जो अनवांटेड ब्राइट लाइट है ये प्रोड्यूस हो रही है, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, लेकिन ये भी प्रोड्यूस हो रही है. ये क्यों प्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि हमें पूरी की पूरी एक लाइट दिख रही है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो हमारा वो लाइट जा ही रहा है ना, एक इतनी, क्योंकि एक ही सोर्स से जा रही है लाइट, तो लाइट इस तरीके से हमारे पास इमेज बना रही है.
लेकिन अगर मुझे क्लियर कट 3D इमेज बनानी है, फॉर एग्जाम्पल ये आरबीसी हम देख सकते हैं 3D इमेज बना रही है, ये इसलिए जैसे हमारा लाइट आई का प्रिंसिपल होता है कि एक बीम ऑफ लाइट हमारी एक आई लेती है और दूसरी बीम ऑफ लाइट हमारी दूसरी आई लेती है, जब ये इंटरफेरेंस शो करते हैं तो हमें एक 3D इमेज ऑब्जर्व होती है, राइट। लेंसेज एंड लेंसेज तो एक 2D इमेज ही बनाएंगे ना, लेकिन हमें एक 3D इमेज कैसे दिखती है, बिकॉज हम दोनों आईज से विजुलाइज कर रहे हैं। तो व्हेन बोथ द बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट एंड दे आर शोइंग इंटरफेरेंस, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक 3D इमेज बनती है एंड दिस 3D इमेज इज ऑब्जर्व्ड है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये हेलोस को प्रिवेंट कर रहे हैं, हेलोस से प्रिवेंट हो रहे हैं यहाँ पे और एक अच्छी इमेज बन रही है, इसीलिए हम लोगों ने डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी को यूज किया। नेक्स्ट आते हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी को पढ़ने से पहले इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि हम लोगों ने इसको यूज क्यों कर रहे हैं। इसको हम यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पुरानी वाले माइक्रोस्कोपिक टेक्निक से हमें उसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में तो पता चल रहा था, लेकिन अगर मुझे लोकलाइज करना है स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है, तो मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं इसमें क्या करूंगी, तो इसमें क्या, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में एंटर करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरेसेंस क्या होता है। फ्लोरेसेंस यू विल लुक है कि दिस इज द न्यूक्लियस एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अराउंड द न्यूक्लियस मूव कर रहे हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पे एक लाइट पड़ती है, इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी से कैसी लाइट पड़ती है, एक्साइटेशन होता है विद अ शॉर्टर वेवलेंथ लाइट। जब भी शॉर्टर वेवलेंथ लाइट इस पे पड़ती है, ठीक है, तो ये क्या करता है, एक्साइट होता है। शॉर्टर वेवलेंथ मतलब हाई एनर्जी लाइट, एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा है तभी ये इसको एक्साइट कर पा रही है। हाई एनर्जी लाइट इसके ऊपर पड़ रही है तो ये अपना और अपने हायर एनर्जी लेवल पे चली जाती है, ठीक है, इसको एनर्जी मिली या हायर एनर्जी लेवल पे इसने जंप कर लिया। जब तक इसके पास ये एनर्जी रहती है तब तक ये हाई एनर्जी लेवल पे रहती है और उसके बाद ये एमिट करती है लाइट और ये आ जाती है अपने ओरिजिनल ऑर्बिट पे। अब इसने ये जो एमिट की लाइट वो इस वाली एनर्जी के कंपैरेटिवली लो एनर्जी होती है, दिस विल बी ऑफ लेस एनर्जी। लेस एनर्जी मतलब हायर वेवलेंथ एंड ये जो हायर वेवलेंथ है इसकी वजह से आ रहा है एमिशन। इसी एमिशन को ऑब्जर्व करके हम स्पेसिमिन को देख सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे ब्लू लाइट डाली है, ठीक है, इंसिडेंट की है, तो यहाँ पे ग्रीन लाइट फ्लोरेसेंट होगी एंड इसी को मैं इन फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप देख सकती हूँ, ठीक है। अब ये फ्लोरेसेंस क्या होता है, जब भी मेरी लाइट यहाँ पे इंसिडेंट है और दिस इज मूविंग टू अ हायर एनर्जी स्टेट एंड दिस इज कमिंग बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट, तब ये एक एनर्जी ऑफ लाइट रिलीज करता है एंड वो एज फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होता है। अगर ये वायर सिंगलेट ही आ रहा है तो ये फ्लोरेसेंस है, लेकिन अगर ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करता है और ये एक्साइटेड ट्रिपल स्टेट में पहुंच जाता है और उसके थ्रू ये ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो इसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस, ओके। इसी चीज को डिप्लॉय किया गया फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में टू ट्रैक डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, उनकी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। यहाँ पे हम लोग लाइट सोर्स कौन सा यूज कर रहे हैं, लाइट सोर्स कौन सा यूज कर रहे हैं हम, मर्करी। सो मर्करी आर्क लैंप जो है वो है हमारा लाइट सोर्स। लाइट सोर्स के बाद ये लाइट एमिट करता है और एमिट होके लाइट वेव्स जा रही है एक्साइटेशन फिल्टर पे। एक्साइटेशन फिल्टर पर्टिकुलरली एक वेवलेंथ की लाइट को एक्साइट करता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को इंसिडेंट करता है और यहाँ पे ये जाता है डाइक्रोइक मिरर के पास। डाइक्रोइक मिरर जो है वो 45 डिग्री के एंगल पे है और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को टू द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन के पास
फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल है जो कि फ्लोरेसेंस शो कर रहा है और जो कि जिसने अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया और एक एनर्जी रिलीज की और उसी एनर्जी की और लेसर वेवलेंथ की जो लाइट है वो इंसिडेंट हुई और हायर वेवलेंथ की लाइट जो है वो एमिट हुई। ठीक है, तो ये जो डाइक्रोइक मिरर है ये पर्टिकुलरली ट्रांसमिट कर रहा है एक ऐसी वेवलेंथ को, ठीक है, जो ये जो स्पेसिफिक वेवलेंथ है ना इससे ज्यादा की ही लाइट को ये पर्टिकुलरली ट्रांसमिट करेगा। सो ये ट्रांसमिट करता है ऐसी वेवलेंथ की लाइट को जो वेवलेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर रहा है पर्टिकुलर वेवलेंथ के नीचे की लाइट को और ट्रांसमिट कर रहा है पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर की लाइट को। सिंपल। एमिशन फिल्टर क्या कर रहा है? एमिशन फिल्टर प्रिवेंट करता है अनवांटेड लाइट्स को एंड पर्टिकुलर सिग्नल डिटेक्टर के पास भेज देता है फॉर विजुअलाइजेशन। क्लियर। आगे एक कॉमनली यूज्ड फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी है, दैट इज एपीफ्लोरेसेंस। एपीफ्लोरेसेंस में क्या होता है, बस यहाँ पे सेम प्रिंसिपल जा रहा है कि शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को एक्साइटेशन फिल्टर जो है वो रिमूव कर रहा है लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को और शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को क्रोमैटिक जो मिरर है वो इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है एंड दिस रिफ्लेक्शन इज थ्रू दिस ऑप्टिकल लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस सॉरी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू ये पास हो रहा है और पास होते ही ये जा रहा है फ्लोरोक्रोम स्ट्रेन स्पेसिमेन के पास जो ऑब्जर्व कर रहा है शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन को और एमिट कर रहा है लॉन्गर वेवलेंथ। मिरर हमारा वही काम कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को, वो मूव कर रहा है बैरियर फिल्टर के पास, बैरियर फिल्टर बस विजिबल लाइट को मूव करने देता है और उसकी वजह से हमें हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्शन। ओके, इज दिस क्लियर? अगर इसको बस हम लोगों ने ये किया है कि अगर ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू ये पास हो रहा है तो इसको बोलते हैं एपीफ्लोरेसेंस। ओके, मूविंग फॉरवर्ड कि हम लोगों ने फ्लोरोक्रोम्स इतनी देर से बोल रहे हैं, फ्लोरोक्रोम्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, फ्लोरोक्रोम्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एमिट करते हैं एक फ्लोरोक्रोम्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एमिट कर रहे हैं वेवलेंथ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करते हैं पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं, एमिट करते हैं मतलब ट्रांसमिट भी नहीं, दिस इज रॉन्ग, एमिट करते हैं एक लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक हम लोग अगर डीएनए को मेरे को स्ट्रेन करना है तो मैं डापी यूज करूंगी या फिर एक्रिडन ऑरेंज यूज करूंगी। अगर मुझे डीएनए प्रोब के साथ यूज करना है, डीएनए प्रोब में कहाँ पे यूज करती हूँ, अगर मेरे को फिश करना है तो। ठीक है, फ्लोरेसेंस इंस्टीट्यूट हाइब्रिडाइजेशन, अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन देखनी है कि मेरा डीएनए प्रोब जाके कहाँ पे बाइंड हो रहा है तो मैं उसके लिए यूज करती हूँ एफआईटीसी। अगर मुझे मैं एफआईटीसी को एंटीबॉडी से भी टैग कर सकती हूँ, ठीक है, टू सी स्पेसिफिक सेलुलर कॉम्पोनेंट्स, कुछ कॉम्पोनेंट्स को मेरे को देखना है तो मैं उसको टैग कर दूंगी ये FITC को विद एंटीबॉडी एंड ऐसे ही मैं अटैच कर दूंगी एंटीबॉडी को विद रूटामाइन आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, एंड दीज टू आर यूज्ड इन इम्यूनोफ्लोरेसेंस, कहाँ पे इनको यूज किया जाता है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस में। सो व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस, पहली चीज सब सेलुलर लोकलाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है इसी के लिए इनको डिप्लॉय किया है ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस और इम्यूनोस्टेनिंग। कैसे, एंटीबॉडी को हमने टैग कर दिया बाय स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, कौन से स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स,
अभी हमने पढ़ा कि FITC और ये जो TRITC है, इनको हम लोग यूज कर सकते हैं एज फ्लोरोक्रोम्स। नेक्स्ट, अगर मेरे को साइटोस्केलेटन के डायनेमिक्स देखने हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक्टिन से स्पेसिफिकली बाइंड करने वाला एक फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल चाहिए, अगर मेरे को एक्टिन फिलामेंट की मूवमेंट देखनी है, तो मैं एक नेचुरली अकरिंग फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल है फेलोडिन, मैं इसको यूज कर सकती हूँ। अनदर इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी इज द लोकलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर्मड विद इन द सेल। दिस इज फॉर्मड विद इन द सेल, दैट इज मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया और जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ मैंने लगा दिया GFP, दैट इज ग्रीन ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन। अब जब भी मेरा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट और मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इसको क्लोन करवा दिया, अब जब भी ये और मैंने इसको डाल दिया एक्सप्रेशन वेक्टर में, एक्सप्रेशन वेक्टर में मैंने इसको जैसे ही डाला और ये जैसे ही एक्सप्रेस हुआ, ठीक है, तो ये जहां जहां ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जा रहा है, जहां जहां ये जा रहा है, वहां वहां मैं इसको ट्रैक कर सकती हूँ वाया GFP, ठीक है। ऑल्सो ये मेरे को लाइव और डेड सेल ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ डाइज होती हैं जो कि दैट कॉजेज लाइव सेल्स टू फ्लोरेसेंस ग्रीन और डेड वंस एज रेड। यहाँ पे आपको रेड और ग्रीन सेल्स दिखाई दे रहे हैं, सो पर्टिकुलरली रेड इज डेड सेल्स एंड ग्रीन आर लाइव सेल्स, सो इसमें हेल्प कर रहे हैं डिटेक्शन में। ये हमारा एक एग्जाम्पल है जहाँ पे फ्लोरेसेंट डाइज एंटीबॉडी टैग स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं और इसको हम लोग टैग कर रहे हैं। दूसरा, हम मॉनिटर कर सकते हैं सब सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस आयंस। आयन कौन से होते हैं और क्यों हमें पता करना है, मेरे को प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे देखना है कि हमारा कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है और पोटेशियम की कहाँ ज्यादा है। मेरे को देखना है कि जो मेरा कैल्शियम है कॉन्सेंट्रेशन है वो किस तरीके से है। तो कैल्शियम के लिए एक स्पेसिफिकली एक डाई है दैट इज फ्लोरा टू, ये बाइंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये मैंने बताया था आपको डीएनए प्रोब, डीएनए प्रोब के लिए हम लोग FITC को यूज करते हैं एंड उसे अटैच कर देते हैं और ये हम लोगों को फिश में यूज होता है। दूसरा इज फ्रेट, फ्रेट क्या होता है, फ्रेट इज फ्लोरेसेंस रेजोनेंस, फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। यहाँ पे हम दो प्रोटीन के इंटरेक्शन को देख सकते हैं, सो हम लोग इससे प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्रोटीन प्रोटीन अगर मेरे को इंटरेक्शन देखना है मैं वो देख सकती हूँ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के नीचे। फ्रैप, फ्रैप क्या है, फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। फोटो ब्लीचिंग मैंने कर दी अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, उस जगह अभी मेरे पास कोई भी वो नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं है। अब अगर मुझे देखना है मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट किस तरीके से वो आफ्टर ब्लीचिंग उस जगह पे पहुंच रहे हैं, अगर मुझे डिफ्यूजन देखना है मॉलिक्यूल का कि किस कितनी फास्ट रेट से आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डायनेमिक मूवमेंट देख सकती हूँ, ठीक है। तो ये मैं देख सकती हूँ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी से। अब मेरे पास नेक्स्ट आता है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। कॉन्फोकल इसमें क्या है, ये हम लोगों को सब कुछ दे रहा है लेकिन हमें 2D प्लेन पे ही दे रहा है, ठीक है, और इससे बस मैं ट्रैक कर रही हूँ चीजें, ट्रैक तो हो रही है मेरे से ये चीज, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं है। क्या नहीं अच्छा है, रेजोल्यूशन। सो रेजोल्यूशन को रिफाइन करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी जहाँ पे एक लेजर बीम को यूज किया जा रहा है टू प्रोड्यूस अ इमेज ऑफ अ सिंगल प्लेन ऑफ स्पेसिमेन एट ए टाइम। एक टाइम पे एक ही प्लेन की इमेज को हम लेजर बीम जो है वो इमेज में प्रोड्यूस करेगी। सो ये कैसी इमेज को प्रोड्यूस करेगी, 2D इमेज को प्रोड्यूस करेगी, राइट। किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक लगा दिया है अपर्चर। फॉर एग्जाम्पल लुक है, यहाँ पे मैंने एक पेन होल अपर्चर लगाया है जिसकी वजह से जब मेरी लेजर यहाँ पे
डाइक्रोइक मिरर है, डाइक्रोइक मिरर इंसिडेंट कर रहा है लाइट को, एंड ये पर्टिकुलरली एक फोकल लेंथ के एक फोकल प्लेन पे ही ऑप्टिकल सेक्शन इन फोकस, जिस फोकस पे वो ऑप्टिकल सेक्शन है उसी की इमेज को बस बना जाने दे रहा है पिन होल से, ठीक है। जो ये दूसरा वाला प्लेन था उसको उसको इसने प्रिवेंट कर दिया, ठीक है। अगर मेरे को इस वाले प्लेन की लेनी है, नेक्स्ट प्लेन की लेनी है, तो मैं यहाँ पे अपना पिन होल प्लेस कर दूंगी, तो ये मेरे को एक दूसरी इमेज देगा 2D, ठीक है। इससे मेरे को एक सेकेंड इमेज मिलेगी 2D, इससे मेरे को फर्स्ट इमेज मिली 2D, इससे मेरे को एक 2D इमेज मिली। तो मैं ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट फोकल प्लेन पे, ठीक है, एक इमेज फॉर्म कर रही हूँ और इस इमेज को मैं रिक्रिएट कर रही हूँ किस पे, कंप्यूटर पे, और प्रोसेस कर रही हूँ फॉर क्रिएटिंग अ कॉन्फोकल इमेजेस। कंप्यूटर इंटरफेस को यूज करने करके मैं कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी से रिसीव करके जितने भी डिजिटल इंफॉर्मेशन है हर एक प्लेन से, उससे मैं क्या बना रही हूँ, 3D इमेज। क्या बन रही है मेरी 3D इमेज। जब मैंने एक्स प्लेन की भी 2D इमेज ले ली, वाई प्लेन की भी 2D इमेज ले ली और जेड प्लेन की भी 2D इमेज ले ली, तो मैं इससे एक इमेज ऑब्टेन कर सकती हूँ ना, इससे मेरे को एक 3D इमेज मिल जाएगी ना। बस तो बस हर एक फोकस से जब भी एक लाइट लेके जाता है तो इसको बोलते हैं कॉन्फोकल इमेज, और कंप्यूटर इन सारी कॉन्फोकल इमेजेस को एक इंटरफेस पे लेके आता है, डिजिटल इंफॉर्मेशन हर एक फेस की लेता है और उससे स्पेसिमेन को की 3D इमेज को फॉर्म कर देता है। ओके, लुक यहाँ पे है, ये है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के इमेजेस। यहाँ पे क्या दिक्कत है कि जो इंटैक्ट सेल्स हैं इनकी रेजोल्यूशन कम है। मेरे को अगर इसमें वो करना है, ट्रैक करना है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इंटैक्ट सेल देख रही हूँ तो इनकी रेजोल्यूशन कम है। इनकी रेजोल्यूशन को रिफाइन करने के लिए मैंने क्या किया है, कॉन्फोकल की हेल्प ली है। कॉन्फोकल क्या करता है, मेरे को एक 3D इमेज दे रहा है जो कि बस एक फोकस से ही इमेज को बना रहा है, एक प्लेन से, एक टाइम पे, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक शार्पर इमेज, अच्छे रेजोल्यूशन की इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। वी कैन सी है यहाँ पे बस एक ऐसा, मतलब अगर इसका ये हर एक फोकस से आ रही है तो इसकी ऐसा फ्लोरेसेंस दिखा रही है, बट एक्चुअली इसकी 3D इमेज ऐसी है, ठीक है। सो ये हमें एग्जैक्ट व्यू दिखा रही है कि हाउ द इमेज इज। देख लेते हैं ओवरव्यू क्या है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का। ये यूज कर रहे हैं फ्लोरेसेंस स्ट्रेन्स, यस, टू प्रोड्यूस इमेज, ये हमने देख लिया। कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई पैथोजेंस, हाँ हम ट्रैक कर सकते हैं पैथोजेंस कहाँ पे। हाँ ऑब्वियसली बात है ना, ये हमारा पैथोजन है, इसके पास एंटीजन है, हमने एंटीबॉडी, स्पेसिफिक एंटीबॉडी डाली, यहाँ पे मैंने प्रोब से टैग कर दिया। अगर मैंने इसको डायरेक्ट प्रोब से टैग कर दिया है तो ये है डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, इम्यूनोफ्लोरेसेंस। अगर मैंने इसको फ्लोरेसेंस, अगर मैंने इसको डायरेक्टली टैग नहीं किया है और मैंने इस एंटी, ये रहा मेरा एंटीजन, यहाँ पे मैंने एक और एंटीबॉडी लगा दी और इससे अगर फ्लोरेसेंट प्रोब को किया है, ठीक है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो हम लोग पैथोजेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यस, पर्टिकुलर स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यस, लिविंग और डेड सेल्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यस, लोकलाइजेशन देख सकते हैं पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का विद इन द सेल, देख लिया हमने कैसे देख सकते हैं, राइट। अब कॉन्फोकल की बात करते हैं, ये लेजर को यूज कर रहा है, हमने देख लिया, ये स्कैन कर रहा है मल्टीपल जेड प्लेन्स को, हर एक प्लेन को ये एक एक करके सक्सेसिवली देखता है, प्रोड्यूस कर रहा है बहुत सारी 2D इमेजेस। ये जितनी भी 2D इमेजेस हैं ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं एट डिफरेंट डेप्थ, ठीक है, जो कि डिफरेंट डेप्थ पे प्रोड्यूस हो रही हैं, और इसको वाया हमारा जो कंप्यूटर अटैच है उसके पास जो सॉफ्टवेयर हैं उसके थ्रू ये एक बना रही है 3D इमेज, और इससे हम लोग थिक स्पेसिमेंस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं।
thick specimens can be easily absorbed. ठीक है, इन सबके क्वेश्चंस मैं कल लेके आऊंगी. ठीक है, अगर आपको कल या फिर आज शाम को लेके आऊंगी, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, अगर कोई दिक्कत है तो शेयर करो. इफ यू वॉन्ट योर फ्रेंड्स टू बी हेल्प बाय दिस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज बायोलॉजिक स्टडीज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.